हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। माई सेल्फ जितेंद्र कुमार फ्रॉम बचपन एंड सेवन स्टार कॉन्वेंट स्कूल मोलासर। आज हम क्लास थर्ड में चैप्टर टू एडिशंस टॉपिक को पढ़ेंगे। एडिशंस, तो बच्चों एडिशंस सेकेंड क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन कुछ एडिशंस का स्टेज यानी कि कुछ ज्यादा छोटे छोटे एग्जाम्पल्स अपन कंसिडर कर रहे थे। लेकिन क्लास थर्ड में अपन क्या करेंगे, थोड़े बड़े डिजिट्स के साथ एडिशंस अपन देखेंगे। तो हम सबसे पहले मैं एडिशंस की बात करूं, तो एडिशंस क्या है, अगर किसी नंबर्स को ग्रुप में अगर रखते हैं और उनको सम्मिलित करते जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, अगर उनको एक साथ रखें तो वो क्या होते हैं, एड होते जाते हैं। यानी कि अगर मेरे पास है 2, 8, अगर मैं इन दोनों को एक बॉक्स में डालता हूँ, यानी कि एक बॉक्स में अगर 2 को कर दू, अगर मैं डाल दू, अगर 8 को भी डाल दू, ये दोनों क्या हो गए, इस बॉक्स में टोटल क्वांटिटी क्या होगी, 10। अब ये 2 और 8 कुछ भी हो सकते हैं, बॉल्स हो सकती है, चॉकलेट्स हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं। तो वैसे भी अगर किसी दो नंबर्स को या मोर देन 2 नंबर, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स भी हो सकते हैं भाई, होने को 2, 4, 6 कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। अगर हम किसी नंबर्स को अगर एक साथ लिखें, यानी कि 2 + 4 + 6, यानी 2 + 4 = 6, 6 + 6 = 12, यानी इन सबको एडिशन, ये 8 होना ही क्या होता है, एडिशन। यानी इन सबको हम एक साथ अगर कंसीडर करें देखें तो हम इसी चीज को क्या बोलेंगे, एडिशन। लेकिन अपन अकॉर्डिंग टू रूल्स अपन बेसिकली किस तरह कंसीडर करते हैं, एडिशन टू मेथड से पढ़ाई जाती है, विदाउट कैरी एंड विद कैरी। यानी कि सबसे पहले अगर बात करें एडिशन को पढ़ने के लिए, दो तरीके होते हैं। एक तो एडिशन हमारे पास होती है टाइप 1, यानी कि एडिशन विदाउट कैरी, और टाइप 2 में अपन पढ़ते हैं एडिशन में एडिशंस विद कैरी। तो हमारे एडिशन में बेसिकली दो टाइप्स हैं, हम एडिशन, एक एडिशन पढ़ते हैं कैरी वाली, विदाउट कैरी वाली, और एक एडिशन पढ़ते हैं विद कैरी वाली। अब अपना टाइप 1 है विदाउट कैरी। विदाउट कैरी में हम सिंगल्स ओनली कैरी को यूज नहीं करते, यानी कि एक सिंगल डिजिट्स है, यानी 1 कॉलम्स को ऐड करते हैं तो कोई भी कैरी नहीं मिलेगी, अगर 10 कॉलम्स को ऐड करते हैं तो भी कोई कैरी नहीं मिलेगी, अगर 100, 1000 जो भी कॉलम्स को ऐड करेंगे उसमें हमें कैरी नहीं मिलेगी। जबकि एडिशन विद कैरी के अंदर हम किसी भी नंबर को ऐड करेंगे तो हम अगर 1 कॉलम को ऐड करें तो उसकी कैरी नेक्स्ट कॉलम में ऐड होती जाएगी। अपन कंसिडर करते हैं टाइप 1, यानी कि एडिशन विदाउट कैरी। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक एडिशंस में है ओनली एडिशंस विदाउट कैरी, यानी कि टाइप 1 एडिशन विदाउट कैरी। एडिशंस विदाउट कैरी में सबसे पहले अगर बात करें तो एडिशंस में सबसे पहले आपको काउंटिंग आनी चाहिए। बेसिकली जब छोटी क्लास में एडिशंस लेते हैं तो एडिशंस कहां से स्टार्ट होगी, अगर काउंटिंग ना हो तो एडिशंस नहीं आ सकती, क्योंकि एडिशंस के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, किसी नंबर्स को आइडेंटिफाई होना चाहिए, यानी कि ये नंबर क्या है। अगर मैं काउंटिंग की बात करूं, ये नंबर्स को काउंटिंग में क्या बोलते हैं, अगर मैं बात करूं 7 तो इस 7 को काउंटिंग में क्या बोलते हैं, अगर मैं बात करूं ये 25 तो इसको काउंटिंग में हम 25 बोलते हैं। यानी कि नंबर्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट्स को अगर डिजिट्स यानी कि काउंटिंग में ही दिक्कत है तो फिर एडिशन में दिक्कत तो ऑब्वियस होगी होगी। इसलिए सबसे पहले अगर एडिशन की बात की जाए तो हमारा सबसे पहले टॉपिक क्या रहेगा कि हमें काउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। काउंटिंग, अगर बेसिकली काउंटिंग आती है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम कैरी यानी कि एडिशन को सोल्व कर सकते हैं। तो अब अपन बात करें एडिशन विदाउट कैरी। अब एडिशन विदाउट कैरी में भी अपन बात करें कि सबसे पहले अपन नंबर्स ले सकते हैं, इसमें भी टाइप डाल सकते हैं। अगर मैं टाइप 1 लूं कि एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर, 1 1 डिजिट नंबर,
वन डिजिट को वन डिजिट प्लस वन डिजिट, ठीक है। अगर जैसे कि एग्जाम्पल दूं मैं 2, 4, यानी कि 2 में मुझे 2 और 4 को ऐड करना है तो टोटल मेरे पास क्या आएगा 6। छोटी क्लासेस में अपन पढ़ते हैं कि लाइनिंग से ड्रॉ करते हैं, यानी हम ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग में हम इसको 2 लाइन से ड्रॉ करते हैं, 2 को 2 लाइन से ड्रॉ करते हैं, 4 को हम 4 लाइन से ड्रॉ करते हैं, फिर हम टोटल क्या करते हैं सबको ऐड करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम सबको ऐड करके क्या लिखते हैं फाइनल इंटरेस्ट लिखते हैं 6, ठीक है। लेकिन अब क्लास थर्ड की बात है तो थर्ड में आपको ड्राइंग से बचकर बेसिकली आपको फिंगर्स यानी कि उंगलियों पर नंबर्स को काउंट करना आ जाना चाहिए, जो क्योंकि बार बार अगर ड्राइंग से करोगे तो इसमें अपन को समय ज्यादा लगेगा, इसलिए अपन को थर्ड क्लास में बेसिकली कम से कम फिंगर्स यानी फिंगर्स को यूज करके अपन को क्या करना चाहिए काउंटिंग सीख लेनी चाहिए। तो मेरा फर्स्ट टाइप वन में भी विदाउट केरी में मैंने क्या सिखाया कि ओनली सिंगल डिजिट को ऐड कर सकते हैं। जैसे सिंगल डिजिट में अपन बात करें, मेरे पास जैसे कि अगर सिंगल डिजिट की बात करूं, जैसे मेरे पास है 7+1, यानी कि मैं अगर 7 और 1 को ऐड करूं तो मेरे पास नंबर क्या आएगा 8। अगर मैं बात करूं 2+5, यानी कि मेरे पास नंबर क्या मिलेगा 2 और 5 को मैं ऐड करता हूं तो 7। तो बेसिकली वन डिजिट को वन डिजिट से एडिशन किया जा सकता है। अगर मैं अगर एडिशन में विदाउट केरी में अगर सेकंड देखूं बी टाइप में देखूं तो मेरे पास अगर मेरे पास जो टू डिजिट से एड करना हो, यानी कि मेरे पास नंबर है 4, 2, 3, 1, इस बार नंबर्स कितने आ गए यानी कि 2, यानी कि नंबर्स के कौन से कॉलम्स बढ़ गए 1 और 10। इस बार मेरे पास 2-2 नंबर्स को मैं ऐड कर रहा हूं, देखो कि ऐड करते हैं तो हम क्या करेंगे 3+2 यानी 2+3, यानी कि आप अगर 2+3 करते हो या 3+2 करते हो आने 5 है, तो 4+1, 5, यानी कि टाइप 1 में मैंने ए बताया था ओनली सिंगल डिजिट को ऐड करना, टाइप 1 में मैं बी बता रहा हूं 2 डिजिट को ऐड करना, यानी कि इसमें और ले सकते हो एग्जांपल 4, 4, 3, 4। तो इस बार क्या कर सकते हैं 4+3, यानी कि अभी अगर किसी भी अगर अधिकतर स्टूडेंट जो सेकंड क्लास से थर्ड क्लास में आए हैं, अगर वो ड्राइंग करके एडिशन करें और उनको अगर फिंगर से एडिशन नहीं आ रहे हैं तो वो अभी भी क्या करें ड्राइंग्स का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फिंगर्स को यूज करना ज्यादा सही रहेगा। अगर मैं बात करूं कि 4+3 यानी कि 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 लाइन से ड्रॉ कर सकता हूँ, 3 को मैं 3 लाइन से ड्रॉ कर सकता हूँ, 4+3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि मेरा सम क्या हो गया 7, 4+4 यानी कि 4 को मैंने क्या लिखा 1, 2, 3, 4 और इस 4 को भी मैं 1, 2, 3, 4 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अभी मैं क्लास थर्ड हो चुकी है, ये बोल रहा हूँ कि अगर जो सेकंड क्लास का मेथड था जो अपन ड्राइंग कर यानी कि लाइंस ड्रॉ कर एडिशन कर रहे थे, वो अब थर्ड क्लास में आप इससे कन्वर्ट कर दो, क्योंकि फिंगर आप फिंगर्स को यूज करके, क्योंकि हर बार आपको अगर किसी डेली रूटीन में आपको अगर आप कहीं बाहर जाओ आपको अगर कोई अंकल पूछे कि आपको 4+3 ऐड करना है तो आप वहां पेंसिल से तो ड्रॉइंग करने से रहे आपको फिंगर से आना चाहिए, क्योंकि आप वहां पर पेन पेंसिल थोड़ी ले जाओगे। अगर किसी अंकल ने आपको पूछा कि बेटा 4 एप्पल्स और 3 एप्पल्स टोटल कितने एप्पल्स होते हैं तो आप वहां तो ड्रॉइंग करने से रहे, क्योंकि आपके पास में पेन पेंसिल थोड़ी रहेगी नोटबुक थोड़ी रहेगी, इसलिए आपको अब एडिशंस क्लास थर्ड में सेकंड क्लास के मेथड्स को छोड़ते हुए आपको फिंगर्स पे एडिशंस काउंट करना आना चाहिए, यानी कि 4 यानी कि 1, 2, 3, 4 फिर आपको 3 ऐड करना है यानी 5, 6, 7 यानी कि टोटल क्या बन गया 7, यानी फिंगर्स को यूज करते हुए, ठीक है। फिंगर्स में भी आपने देखा होगा कभी गौर से देखना अपने हाथ को, फिंगर्स में ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी 15 के ब्लॉक्स बने हुए हैं, यानी अगर दोनों अगर हैंड को अपन कंसीडर करें तो कम से कम 30 ब्लॉक्स तो होते ही है, आसानी से अपन 30 तक की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली क्लास थर्ड में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 3 नंबर एडिशन को कंसिडर किया जाता है, यानी कि अगर मैं ज्यादा से ज्यादा कितने बड़े एडिशन को ले सकता हूँ
यानी कि अगर मैं विदाउट केरी की बात हूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा एडिशन ले सकता हूं। यानी कि कम से कम 3 डिजिट्स को, यानी कि कम से कम 3 नंबर्स को एड करना कम से कम क्लास टाइम में आपको आना चाहिए। यानी अगर मैं 3 का एडिशन को 3 + 1 4, 4 + 2 6, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 2 + 1 3, 3 + 6 9, तो नहीं है ये हमारा टाइप 1 कंप्लीट होता है। जैसे कि विदाउट केरी वाला, यानी कि अभी तक कोई भी कॉलम्स को एड करने पर डबल डिजिट्स अपने कहीं नहीं मिल रहे। यानी कि डबल डिजिट्स का मतलब है कि किसी भी नंबर्स को एड करने पर अगर डबल डिजिट्स आ रहे हैं तो उसमें 1 डिजिट को तो नीचे ही लिखा जाता है और 10 डिजिट को आगे फॉरवर्ड किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, केरी। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है टाइप 2 एडिशंस विद केरी। टाइप 2 एडिशंस विद केरी। देखो बेसिकली अगर देखा जाए टाइप 1 जो होता है विदाउट केरी वाला वो बेसिकली हर बच्चा सोल्व कर लेता है, लेकिन टाइप 2 है जो एडिशन विद केरी ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी कॉलम्स को एड करोगे तो कम से कम डबल डिजिट मिलेगी, यानी कि 1 से 10 डिजिट मिलेगी और 10 डिजिट को हमेशा फॉरवर्ड करना पड़ेगा आगे। जैसे कि अगर एडिशन की केरी की बात करें तो एग्जाम्पल 1, अगर मुझे 28 को एड करना है 35 से, 35 और 28 को एड करना है, अगर मैं इस बार एडिशन विद केरी बात कर रहा हूं तो इस बार एट प्लस फाइव, यानी कि मैं अगर आपका सिंपल मेथड यूज करता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये क्या है 5, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 अपन एड करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी टोटल को 8 और 5 को एड करने पर मेरे को क्या मिलता है 13। तो मैं इस बार यहां पर मेरे पास कितने नंबर्स आ गए 2 डिजिट, लेकिन एडिशन में दोनों डिजिट को एक साथ नहीं रख सकता, इसलिए मुझे इस 1 को क्या करना पड़ेगा आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, यानी कि नेक्स्ट कॉलम में, यानी कि मेरा केरी क्या हो गया 1। तो इस बार अगली बार मैं एडिशन करूंगा तो मेरे पास टोटल कितने नंबर्स हो गए 3 डिजिट, अगली बार मैं 3 डिजिट को ऐड करूंगा तो अगली बार मैं करता हूं 1, 1, 1 + 2, 3, 3 + 3, 6, तो अगली बार एडिशन कैसे हो गया 63। मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूं, सबसे पहले किसी भी नंबर को अगर इस मेथड्स में दिया हो तो उसको कॉलम से सेट करना होता है, कॉलम से सेट मतलब 1 डिजिट को, यानी कि 1 डिजिट को 1 डिजिट से एड करते हैं और 10 डिजिट को 10 से एड करते हैं, आगे भी अगर कोई नंबर्स हो तो 100 डिजिट को 100 में एड करते हैं, लेकिन अगर केरी लग रहा है तो केरी आगे फॉरवर्ड होता जाता है। अगर मैं बात करूं 49 को 55 से एड करना है तो इस बार वापस मैं कॉलम्स में 1 कॉलम्स को एड करना हूं 9 + 5, यानी कि 9 को क्या लिखूं, ड्रॉइंग कर दूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, और आगे मेरा क्या है 5, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि अब मैं एड करूं 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी 9 + 5 क्या होते हैं 14, तो इस बार मैं क्या यहां लिखूंगा 14, तो 14 डबल डिजिट को हम यहां नहीं लिखेंगे, इस 1 को अपन क्या करेंगे आगे वाले डिजिट में फॉरवर्ड करेंगे, तो मेरा 1 केरी हो गया, क्योंकि अपना टाइप कौन सा है एडिशन विद केरी। इस बार अपन इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे, यानी कि 1 + 4 5, 5 + 5 10, यानी कि इन टोटल्स को ऐड करूंगा तो इस बार मुझे एडिशन क्या मिला, इनका सम क्या मिला 104। तो इस प्रकार हम एडिशन विदाउट केरी, एडिशन विद केरी सोल्व कर सकते हैं। वैसे बेसिकली क्लास सेटिंग में आपने नॉर्मल तरह के केरीज आपने पढ़ चुके हैं, इसलिए मुझे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे को अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो हमें
वापस हमें इन्फॉर्मेशन दे सकता है ताकि हम उसका वापस जीरो लेवल से स्टार्ट कर सके। और रूटीन अगर अभी आपको घर पे टाइम मिला है तो आप बेसिकली रोजाना काउंटिंग का नॉलेज, छोटे मोटे एडिशन कुछ सोल्व करना सीखे, बाकी आप वीडियोस की यूज करके ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं। तो मेरा आज का ये चैप्टर टू में एडिशंस में मेरा दो टॉपिक थे, एडिशंस विद थ्योरी, एडिशंस विदाउट थ्योरी। आपको इसके संबंधित सारे एक्सरसाइज दे दी जाएगी, वो सॉल्व करना है आपको। थैंक यू।